नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल न्यूज़। और इस एजुकेशनल न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी के एक्सेप्टेड कटअप को लेकर के। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि 47 से 48 लाख स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया था इस फॉर्म को लेकर के। पहले 26,000 पोस्ट था, लेकिन इस पोस्ट को बढ़ा के 60,000 तक किया गया था। और एग्जाम देने से पहले ही ये नोटिफिकेशन आया था, इसलिए काफ़ी लोग एक्साइटेड हो गए थे एग्जाम देने के लिए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो फॉर्म फिलअप हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग भी फॉर्म फिलअप किए। ऐसा मत सोचना कि मतलब कोई भी स्टूडेंट बिना तैयारी का किया हो। मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, बैंक कर रहा हो, या फिर वो प्राइवेट जॉब भी कर रहा हो, फिर भी उसने इस फॉर्म को अप्लाई किया था। और काफ़ी टैलेंटेड लोग जो कहीं किसी और वर्क में थे, उन्होंने भी एक फॉर्म को अप्लाई कर दिया था, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर में होंगे। तो आप इसी को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसीलिए हम इसी सब चीज़ को लेकर के आपको ये कटअप प्रोवाइड करा रहे हैं। और बहुत ही एक्सेप्टेड कटअप है, और उम्मीद है इसी के बीच में आपका रहेगा। सबसे पहले बात, जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ, तो उस चीज़ को हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले फॉर्म के फिलअप करने से पहले आपको बोला गया होगा कि जनरल के स्टूडेंटों को मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा। और ओबीसी की बात करें तो वहाँ पर उनका 30% था, और एससी की बात करें तो उनका भी यहाँ पे 30% था, और एसटी की बात करें तो उनका यहाँ पे दोस्तों 25% था। यानी कि इतना मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए सीबीटी, तभी आप वहाँ पे जा पाएंगे उसमें, ठीक है। अब वो कटअप क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन आपको कम से कम इतना ला के आपको पास करके दिखाना है। एक तरह से जो 30-30 नंबर हम लोगों का पास होता है क्लास 10-12 में, जो आपने दिया होगा तो 33 नंबर से पास होता है। इसी तरह से यहाँ पे पासिंग मार्क्स रखा गया था आप लोगों के लिए मिनिमम। उतना अगर आपका नहीं है तो आप उस दौर से बाहर हैं, ठीक है। कहने का मेरा मतलब यही है। और इतने सारे स्टूडेंटों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो उन लोगों को यहाँ पे रिजेक्ट करना था, तो यही सब प्रोसेस अपनाया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं 15 गुना कह रहे हैं कि मतलब क्या है, 60,000 सीटें हैं, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो 9 लाख लगभग स्टूडेंटों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा सी बी टू के लिए। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन तो उतना हार्ड आया नहीं था, मैंने भी सही कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कई सारे स्टूडेंटों ने भेजा था, तो मैंने सब कुछ देखा, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ अपना। उम्मीद है पसंद आएगा वीडियो, ठीक है, नहीं आएगा तो आपकी मर्जी। तो देखिए, ये था एक अपडेट जो आपको इतना जानकारी होना चाहिए। अब एक्सेप्टेड कटअप की बात करते हैं। तो एक्सेप्टेड कटअप जैसा कि आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जनरल के लिए मैंने दोस्तों वहाँ पे रखा है 42 से लेकर के 47 तक। जी हाँ दोस्तों, आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, आपके मार्क्स इससे कम होंगे, तो आप यहाँ पे सोच रहे हो यार ये क्या किया। देखो, तो इससे कटअप नीचे जा सकता है, लेकिन इतना तक अगर आपका है तो आप बिल्कुल भी सेफ है, आपको टेंशन नहीं लेना। लगातार आप सी बी टू का यहाँ पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी की बात करें तो 36 से लेकर के 41 तक मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको जताया है, और ये पूरा हम लोगों ने यहाँ पे एक तरह से कैलकुलेशन किया, तभी हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। एससी की बात करें तो यहाँ पे आपको 33 से लेकर के 38 नंबर तक आपका अगर है तो बिल्कुल आप लोग सेफ हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे एसटी की बात करें तो 26 से लेकर के 32 तक अगर आपका है तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ है, 31-32 आसपास कुछ भी हो सकता है। तो ये इतना के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है दोस्तों। और ये था आपका एक्सेप्टेड कटअप। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियली साइट asrssugru.com विजिट कीजिए, और वहाँ पे जाके सब कुछ वहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं। वैसे हम आपको लिंक प्रोवाइड करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया। अब मेरा चैनल नया है तो लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम लगा है मुझे पूरा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आएगा तो। ओके।